अरब गौरक्षा दल के सदर एडवोकेट अब्दुल्ला बा हमीद ने अरब गौरक्षा दल के 5 साल मुकम्मिल होने पर मसलत का इजहार करते हुए उलमा इकराम से अपील की है कि वो गाय और बैलजबिया से मुतालिक मुसलमानों में शौर बेदार पैदा करें ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को मजीद फरोग मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल्ला बा हमीद, एडवोकेट अब्दुल्ला बा हमीद, अरब गौरक्षा दल। हमारे अरब गौरक्षा दल की एक्टिविटीज़ का 5वां साल है। इस पर मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। हमारे इस मुहिम में इब्तदा में जो मुखालिफतें हुई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि आलम यह है कि उलमा इकराम भी हमारी इस मुहिम के मामले में लोगों तक ये बात का पैगाम पहुँचा रहे हैं कि गाय ज़बीहे से बचें। यहाँ तक के कुछ इदारों ने, कुछ मजहबी इदारों ने यह भी कहा है कि न सिर्फ गाय बल्कि बैल के भी ज़बीहे से बचें ताकि किसी भी किस्म के फितने की गुंजाइश ख़त्म हो जाए। और अरब गौरक्षा दल इस बात के लिए काफ़ी मुतमईन है कि अगर यही मामला अगर चला और अगर शऊर उलमा इकराम के ज़रिए अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों में पहुँचा तो यकीनन एक बेहतरीन पैगाम हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का भी बढ़ेगा और वो लोग जो फितनांगेज़ी फैलाना चाहते हैं उनके लिए उनके हाथ सिर्फ मायूसी आएगी।